देखिए दोस्तों, आज मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ वो है नेपाली एलेक्जेंडर पैराक्रिट। लगभग ये 45 डेज का हो चुका है और इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार क्वालिटी है ये और एकदम फ्रेंडली हो चुका है। ये घर में सभी लोगों से अच्छे से बातचीत भी करता है और किसी को काटता भी नहीं है। खुद से खाना देने पर भी ये मीन्स कि खा लेता है ये खाना, और पापा मम्मी भैया दीदी ये सब चीज़ पूरा कम्प्लीटली वर्ड जो है ये सीख चुका है। और आप इसको देख सकते हैं, ये इजी वे में आराम से इसको हम बिठा सकते हैं लेके। ये काटने वाला बिल्कुल नहीं है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है ये। ये 45 डेज हो चुका है इसका। और ये आपका जो नस्ल है, अगर इस नस्ल की बात करूँ तो बहुत ही कम लोगों के पास ये नस्ल पाया जाता है। पहाड़ी में बहुत प्रकार के नस्ल होते हैं, लेकिन जो हमारे पास की जो नस्ल है वो बहुत ही शानदार नस्ल की है ये। तो लगभग ये 45 डेज की हो चुका है और अभी भी आप देख सकते हैं कि 45 डेज में ही इसके गले में रिंग भी आने लगा है। ये गला में रिंग आ रहा है इसका। ये नर है, नर पैरोट है ये, और इसका सर जो है काफ़ी हैवी है। और इसकी वॉइस की अगर बात करें तो ये मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग भैया पापा मम्मी करके इस प्रकार से लोगों को उठाता है ये। और 45 डेज में बात को समझ लेना, बात को पकड़ना और एकदम फ्रेंडली होना ये बहुत ही अहम बात है। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि ये किसी को काटता नहीं है। अगर आप इसके मुंह में भी या फिर हाथ में भी अगर आप इस प्रकार से अगर इसको लेते हैं आप, तो ये बिल्कुल नहीं काटेगा, इतना फ्रेंडली हो चुका है। बल्कि ये हमारे साथ सुबह सुबह शोल्डर पे बैठ के घूमने भी जाता है और घूमता ऐसे है जैसे कि मतलब जब तक मैं इसको ना घुमाऊँ तब तक ये शांत नहीं होता। तो आज की वीडियो में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर पैरट लवर हैं तो इस पैरट को ही ले, और मार्केट में बहुत सारे पैरट अवेलेबल हैं। तो ये इस क्वालिटी का पैरट जो है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये जीवित रहता है और 40-45 डेज में ये बोलना शुरू कर देता है। थैंक यू।